देखिए, हम जिसके अंत में पाँच हो ना, उसका वर्ग करना सीखेंगे। कोई भी संख्या हो जिसके अंत में पाँच हो, उसका वर्ग करना सीखेंगे। जैसे एक का है ना, ये पंद्रह है, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? तो ये पंद्रह लिख दिया हमने, स्क्वायर कैसे करना है? दोनों संख्या की स्क्वायर लिख देना है, इसके और इसके। अब लिखो, देखो पाँच का स्क्वायर कितना है? पच्चीस है, तो फिक्स है, ठीक है। इसका स्क्वायर करो एक का, एक का स्क्वायर कितना है? एक। और उसी में वापस यही संख्या जोड़नी है, एक का स्क्वायर एक प्लस एक, कितना हो गया? दो। तो कितना हो गया? 225। अब देखो 25 का लिखते हैं, वही 25 लिख दिया, दोनों संख्या के स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। देखो 5 का कितना है? 25, ठीक है, 5 का तो 25 हो गया। और दो का स्क्वायर कितना है? 4, और 4 में वापस 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 6। तो ये हम लिख देंगे 625। अब देखो 35 का लिख देते हैं, वही 35 का करना है, सिंपल है, 35 का स्क्वायर करना है, ठीक है। दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, और तो 35 का कितना हो गया? 5 का कितना हो गया? 25, 5 का तो फिक्स है 25। 3 का देखो, 3 का स्क्वायर कितना है? 9, 9 में से वापस 3 जोड़ देता है, तो 9 और 3 कितना हो गया? 12, तो 1225। एक लास्ट ये देख लो, तीन संख्या का कैसे करना है हमें, देखो मात्र दो ही संख्या का स्क्वायर बनाना है। वापस इसका कर दो, एक तो 5 का स्क्वायर हो गया, और यहीं दो संख्या है तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। मात्र दो संख्या का स्क्वायर बनाना है, कितनी बड़ी संख्या हो। तो 5 का कितना हो गया? वापस 25। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, और 100 में वापस 2 10 जोड़ देते हैं, तो 100 और 10 110, तो वापस 110 हो गए, तो ये इसका स्क्वायर है। सिंपल। अब आपसे कोई भी पूछ ले, जैसे कि 115 का स्क्वायर पूछ लिया आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 का कितना होता है स्क्वायर? 25 होता है। 11 का कितना स्क्वायर होता है? 121 होता है। 121 में वापस 11 जोड़ देते हैं, 121 और 11 कितना होते हैं? 121 एक, 122 और 10 132, तो ये इसका स्क्वायर हो गया ऐसे। तो ये 5 के स्क्वायर, जिसके अंत में 5 होता है ना, उसके स्क्वायर की ट्रिक है। आप इस ट्रिक को फॉलो करके किसी भी को, ये ज़्यादा बड़े के लिए तो आसान नहीं होगी मुझे पता है, लेकिन ये दो या तीन अंक के लिए तो आसान हो जाती है, तीन अंक तक तो, क्योंकि जैसे आगे हम बड़ा कर लेते हैं, जैसे हमें ये पूछ लेता है कोई आपसे, इसका स्क्वायर करना है, तो वो देखो 5 का तो स्क्वायर होगा, फिर इसका 122 स्क्वायर, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन इन तीन अंक तक तो ये ट्रिक लगती है और बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। कैसे करना है? इसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है, और वापस इसका स्क्वायर करके वही संख्या जोड़नी है पहले वाली। जैसे 5 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 में वापस 2 जोड़ा 6, तो 625, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी है, जिसके इकाई अंक 5 हो।